नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। देश तक में आप सभी का स्वागत है। और शुरुआत कोरोना से जुड़ी हुई खबरों से, जहां पर देश में मरीजों का आंकड़ा आज तेजी से बढ़ा है। भारत में कोरोना के अब तक 1637 मरीज हो चुके हैं और बीते 24 घंटे में ही कोरोना के 386 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। कोरोना से 38 मौत की बात स्वास्थ्य मंत्रालय ने कही है। एक और बड़ी खबर तमिलनाडु से आ रही है, जहां पर आज कोरोना के 110 नए मरीजों की पहचान हुई है और इनमें से ज्यादातर मरीज दिल्ली के तबलीगी जमात के मरकज में शामिल होकर लौटे हैं। दिल्ली से भी कोरोना को लेकर परेशान करने वाली खबर सामने आई है, जहां पिछले 24 घंटे में बीमारी के 18 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। यकीनन ये बढ़ते हुए आंकड़े हिंदुस्तान को परेशान करने वाले हैं। इसी वजह से सवाल बड़ा है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह क्यों है, कौन है, क्योंकि तबलीगी समाज इस वक्त सवालों के घेरे में है। फिलहाल देश तक में आज की 10 बड़ी बातें कौन कौन सी रही हैं, जल्दी से उसके बारे में आपको बताना जरूरी है, क्योंकि आप जो एहतियात बरत रहे हैं संपूर्ण लॉकडाउन की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई है, अब दिखा देते हैं आपको आगे बढ़ते हुए देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें आखिर कौन सी हैं, दुनिया की 10 नई खबरें कौन सी इस वक्त सामने आई हैं। ये आंकड़े आपके सामने हैं। भारत में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 320 मरीजों की पुष्टि हुई है और ये परेशान करने वाली स्थिति हिंदुस्तान के लिए, जबकि केरल में कोरोना के अब तक 265 मरीजों की पुष्टि की जा चुकी है। केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये वो तमाम राज्य हैं जहां पर स्थिति चिंताजनक हालत में इस वक्त पहुंच रही है। तमिलनाडु का आंकड़ा 234 मरीजों में वायरस की पुष्टि हुई है तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश में कोरोना से आज 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है, जो अपने आप में यूपी के लिए अच्छी खबर कतई नहीं है। जबकि दिल्ली से 19 राज्यों में पहुंचे तबलीगी जमात के लोग, जिनकी खोजबीन लगातार जारी है। दुनिया भर में कोरोना से 42,000 से ज्यादा मौतें अब तक हो चुकी हैं, लगातार ये आंकड़ा बढ़ता हुआ, जबकि 8,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना से इस वक्त भी संक्रमित हैं और तेजी से इसमें इजाफा भी हो रहा है। स्पेन में कोरोना से कुल 9,053 मौत हो चुकी है, 24 घंटे में 864 लोगों की जान जा चुकी है। जबकि इटली में आंकड़ा 12,428 के आंकड़े तक पहुंच चुका है, इतने लोगों ने वहां पर अपनी जान गंवाई है। अमेरिका में 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, करीब 2,00,000 लोग संक्रमित बनाए जा रहे हैं। ये 10 बड़ी खबरें आज की, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी। उधर दिल्ली के मरकज से निकला कोरोना का जन्न पूरे हिंदुस्तान को डरा रहा है। तबलीगी जमात के आयोजन में कोरोना मरीजों के मिलने के बाद हड़कंप मच गया। आज दिल्ली में मरकज को पूरी तरह से खाली करा लिया गया। 36 घंटे में 2300 से ज्यादा लोग निकाले गए हैं। ये आंकड़े तबलीगी जमात के तमाम दावों को गलत साबित करने के लिए काफी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तबलीगी जमात का ठिकाना खाली। मरकज से निकाले गए 2300 लोग। दिल्ली के अस्पतालों में 617 भर्ती। अब तक 1744 लोग किए गए क्वारंटाइन। मौलाना साद समेत 7 पर FIR। तबलीगी जमात की यह हरकत सिर्फ लापरवाही नहीं हो सकती, इसे सिर्फ गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कहना भी कम है। ये हजारों लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने जैसा है और ये बिल्कुल भी अनजाने में नहीं किया गया। इसका सबूत तबलीगी जमात के मुखिया की ये आवाज है कि जिस तरह का भी कोई अजाब आए, तुम्हें दौड़ना चाहिए मस्जिदों की तरफ। ये ख्याल बातिल ख्याल है कि मस्जिद में जमा होने से बीमारी पैदा होगी। यह ख्याल बिल्कुल बातिल ख्याल है। तो मैं कहता हूँ, अगर तुम्हें तुम्हारे तजर्बे में ये नजर भी आ जाए कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा, तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई होनी चाहिए। जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विपक्ष के तमाम नेता सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, तब तबलीगी जमात के अमीर अपने ही लोगों को बरगलाते सुने गए। यही वजह है कि 23 मार्च को ही दिल्ली पुलिस ने उनकी ठीक से क्लास ली और तुरंत परिसर को खाली करने को कहा।
सर हम डेढ़, आप कह रहे हैं हमने 1500 लोग कल भेजे हैं यहाँ से, और अभी भी अभी कितने लोग हैं वहाँ? अभी 2500 में से एक रह रहे हैं, 1500 हम भेज चुके हैं और अभी भेज रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ अभी कितने लोग हैं मरकज में? 1000 एक हजार है। वो कहाँ कहाँ के हैं? सब दिल्ली से बाहर के, दिल्ली का कोई कहाँ कहाँ के, कोई लखनऊ का है, कोई बनारस का है, कोई खतौली का है, बिजनौर का है, इस तरह ये सब जाना चाहते हैं, लेकिन बॉर्डर सील है, क्या करें? ध्यान दीजिए, 23 मार्च को तबलीगी जमात के लोगों ने मरकज में 1000 लोगों के होने की बात कही थी, लेकिन आज जब इसे खाली कराया गया तो 2300 से ज्यादा लोग इमारत से निकले। अब इसे चोरी पकड़ा जाना ना कहें तो क्या कहें? 36 घंटे में मरकज से कुल 2361 लोग निकाले गए, इनमें से 617 अस्पतालों में भर्ती कराए गए, जबकि 1744 को क्वारंटाइन सेंटर में भेजा गया है। पूरी इमारत सैनिटाइज की गई है। इसमें कुल मिला के 2361 लोगों को वहाँ से निकाला गया, जिसमें से 617 को हॉस्पिटल ले जाया गया है, बाकी को क्वारंटाइन किया गया है। ये 617 वो लोग हैं जिनमें किसी तरह के बीमारी के खांसी जुखाम बुखार इस तरह के सिम्टम्स हैं, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और उनकी सघन जाँच की जा रही है, उनके सैंपल लेकर उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि नोटिस देने के बावजूद तबलीगी जमात के लोगों ने मरकज को खाली कराने की कोशिश नहीं की। अब दिल्ली पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई तेज कर दी है। इन पर IPC की धारा 269, 270, 271 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR में मौलाना साद, डॉक्टर जिशान, मुफ्ती शहजाद, मोहम्मद अशरफ, मुरसलीन सैफी, यूनिस और मोहम्मद सलमान के नाम हैं। मामले की जाँच क्राइम ब्रांच को सौंपी गयी है। तबलीगी जमात से लौटे लोगों में कोरोना के लक्षण मिल रहे हैं। 19 राज्यों में मरकज से लोग लौटे हैं, ऐसे में कोरोना को लेकर ये लापरवाही अब बड़ी मुसीबत बन गई है। ऐश्वर्या पालीवाल और चिराग कोठी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तबलीगी जमात के धार्मिक सम्मेलन में शामिल हुए लोगों की तलाश की जा रही है। लोगों की पहचान में परेशानी भी हो रही है, क्योंकि किसी को पक्के तौर पर पता नहीं कि कितने लोग इस सम्मेलन में शामिल हुए और फिर कहां कहां वापस लौटे। कोई नहीं जानता तबलीगी जमात के धार्मिक कार्यक्रम में कितने लोग शामिल थे। कोई मानता है 5000 लोग, कोई 6000, कोई 8000। इनमें से सैकड़ों विदेश से आए, उसी मरकज में टिके। कोई अंदाजा नहीं कौन कोरोना पॉजिटिव था, किसने किसको बीमारी दी। हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और अंडमान निकोबार से सैकड़ों लोग धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। अब केंद्र सरकार समेत 19 राज्यों की सरकार ये पता लगाने में जुटी है उनके राज्य से कितने लोग आए और कितने वापस लौटे। सबकी तलाश की जा रही है। दिल्ली में घर लौटे 117 लोगों को आइसोलेशन में भेजा गया। मध्य प्रदेश में 108 लोग क्वारंटाइन किए गए हैं, वहीं 189 लोगों की जांच की जा रही है। बिहार से मरकज में 162 लोग शामिल हुए थे, जिनमें से 30 की पहचान हो गई है। हरियाणा में तबलीगी जमात से जुड़े 40 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। राजस्थान से 450 लोग कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सरकार ने इनमें से 65 लोगों को आइसोलेशन में डाल दिया है। छत्तीसगढ़ से 101 लोग मरकज पहुंचे थे, सभी की पहचान कर ली गई है। उत्तराखंड में 173 लोगों को आइसोलेशन में भेज दिया गया है, जो मरकज के जमातियों के संपर्क में आए थे। कर्नाटक में भी 200 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। केरल में मरकज के कार्यक्रम में शामिल 22 लोग क्वारंटीन। जम्मू कश्मीर से तबलीगी जमात से जुड़े 10 लोग क्वारंटीन हुए। अभी अपने सभी व्यक्तियों का सम्मान करते हैं, सभी व्यक्तियों को जो है उनकी व्यवस्था और उनका मेडिकल चेकअप करना चाहते हैं। किसी भी रूप में कोई कोताही और लापरवाही नहीं बरती जाएगी। एक एक आदमी की मॉनिटरिंग हो रही है, एक एक आदमी की मॉनिटरिंग करके सबका, जो ड्रिल सेट है उनकी जांच कराना, उनको क्वारंटाइन करना, ये सारी कार्रवाई। देखिए, ये वाला जो पर्टिकुलर इंसिडेंट है निजामुद्दीन वाला, इसमें हमारे प्रदेश के 26 लोग थे, जिनमें से अधिकांश हरिद्वार और देहरादून जिले के थे और 3 लोग मोरी से भी थे।
वो 26 के 26 का हमने भौतिक सत्यापन कर लिया है, वो हमारे प्रदेश में नहीं, वो वहीं हैं, वो निजामुद्दीन। ये वो लोग हैं जिन तक सरकार पहुंच गई है, लेकिन अभी सैकड़ों लोगों की पहचान बाकी है। अंदाजा इसी से लगाइए कि रेलवे ने 13 मार्च से 19 मार्च तक की 5 ट्रेनों में सवार लोगों की पहचान की कवायद तेज कर दी है। ये सभी मरकज से लौटे हैं। आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, गुंटूर जाने वाली दुरंतो एक्सप्रेस, चेन्नई जाने वाली ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस, तमिलनाडु एक्सप्रेस, नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस, हर ट्रेन में 1000 से 1200 तक यात्री सवार थे। अंदाजा लगाइए अगर कोरोना संक्रमण वाला मरीज इसी ट्रेन से सफर कर रहा होगा तो कितने लोग संक्रमण का शिकार हुए होंगे। जयपुर से शरद कुमार, पटना से सुजीत झा, लखनऊ से कुमार अभिषेक और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको जरा सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं कि भारत के किस राज्य से कितने लोग तबलीगी जमात के मरकज में शामिल होने के लिए दिल्ली आए थे। ये देखिए, यह आंकड़ा आपके सामने है। हिमाचल प्रदेश में 15 लोग, किस राज्य के कितने जमाती हैं, पंजाब के 9 लोग, ये जहां जहां फैले होंगे वहां पर हालात क्या होंगे, उत्तराखंड से 34 लोग और इसी वजह से राज्य सरकारों के लिए चिंताजनक स्थिति, हरियाणा के 22 लोग हैं, राजस्थान के 19 लोग, ये अलग अलग राज्यों के आंकड़े दिखा रहे हैं। ये तमाम जमाती जो इस मरकज में, उत्तर प्रदेश के 156 लोग, इसी वजह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है कि इन तमाम लोगों की पहचान जल्द से जल्द की जाए। बिहार के आपने देखा 162, असम से 216 लोग, अलग अलग राज्यों से ये लोग आए हुए थे और फिर अपने अपने राज्यों में वापस लौटे। मेघालय में 5, पश्चिम बंगाल से 73 जमाती थे, झारखंड के 46 जमाती, ओडिशा के 15, मध्य प्रदेश के 107, महाराष्ट्र के 109, महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना में कई लोगों की जान जा चुकी है 55, तमिलनाडु में 501 और यही स्थिति बेहद चिंताजनक इस वक्त बनी हुई है। कर्नाटक में 45 जबकि केरला में 15 मामले हम आपको दिखा रहे हैं, अंडमान में 21, अंडमान निकोबार से 21 मामले सामने आ चुके हैं। कुल मिलाकर स्थिति कितनी भयावह है इस बात को आप समझिए। अब जरा हम आपको दिखा देते हैं 15 देश के कितने जमाती यहां पर पहुंचे हुए थे। इंग्लैंड से 3 लोग बताए जा रहे हैं, 15 देशों के अलग अलग लोग यहां पर पहुंचे हुए थे, इंग्लैंड के 3। आगे बढ़ते हुए दूसरे देशों की अगर हम बात करें, फ्रांस के 1 जमाती यहां पर पहुंचे हुए थे, जरा तेजी से ये आंकड़ा अगर बढ़े, अल्जीरिया के भी 1 और इस तरह से अलग अलग देशों के कई लोग, किर्गिस्तान से 28 लोग आए हुए थे। अलग अलग देशों से कई जमातियों की तादाद जो अपने आप में बड़ी थी, कुवैत से 2 लोग और इन लोगों में से अफगानिस्तान से 33 लोग आए हुए थे और इनमें से अगर कुछ लोगों को भी संक्रमण था तो जरा सोचिए जो तस्वीर सामने आई है, नेपाल के 19 लोग, बांग्लादेश से 19 लोग, तो वो संक्रमण कितने दूसरे लोगों में फैला होगा, म्यांमार के 33 लोग और यहां से इस मरकज से बाहर निकलने के बाद श्रीलंका का 34 का आंकड़ा आपके सामने है, थाईलैंड के 71 लोग यहां पर पहुंचे हुए थे जो इस मरकज में मौजूद थे, मलेशिया के 20 लोग, सिंगापुर से 1 लोग और इन तमाम लोगों की पहचान छिपाई गई, ये आंकड़े छिपाए गए। इंडोनेशिया 72 लोग शामिल हुए थे, फिजी से 4, यानी कि 15 देशों के कुल कितने जमाती शामिल थे उनके बारे में आपको हमने जानकारी दी। दरअसल ये पूरी जानकारी छिपाई गई थी, ये भी आरोप इस वक्त मरकज के ऊपर लग रहे हैं और जमाती इसी वजह से सवालों के घेरे में है क्योंकि ये लोग यहां से, इस मरकज से देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचे और इनमें से अगर कुछ को भी संक्रमण होगा तो फिर बाकी कितने लोगों को उन्होंने नुकसान पहुंचाया होगा। इन आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अगर 21 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन का हमने सख्ती से पालन नहीं किया तो देश और हम, आप, हमारा परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा, लेकिन यहां पर तो तादाद 2300 से ज्यादा लोगों की थी। पूरे देश में कई शहरों में पुलिस तलाशी अभियान चला रही है, मस्जिदों और मदरसों को खंगाला जा रहा है ताकि ये लोग पकड़ में आए। ये समझना पड़ेगा कि ये तलाशी अभियान उनके खुद की सेहत के साथ ही साथ और लोगों को खतरे से बाहर निकालने के लिए भी है। इस वजह से बहुत सारे मौलानाओं की अपील है कि जितने भी जमाती हैं जो यहां पर शामिल हुए थे वो बाहर आएं और वो बताएं कि हां वो वहां पर मौजूद थे। ये रिपोर्ट देखिए। तबलीगी जमात के सम्मेलन से लौटे लोगों की तलाश में पूरे देश में पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया है। मस्जिद समेत शहरों के कई इलाकों को तलाशा जा रहा है। बिजनौर में मस्जिद और मदरसों की तलाशी ली जा रही है। प्रशासन के अधिकारी जानकारी जुटा रहे हैं कि क्या कोई तबलीगी जमात के सम्मेलन में शामिल हुआ था या फिर कोई वहां से लौटा है। इसी तलाशी अभियान में बिजनौर के नूर इलाही मस्जिद में
5 लोग मिले। ये सभी धार्मिक सम्मेलन से वापस लौटे थे। पुलिस ने इन्हें आइसोलेशन में भेज दिया है। मस्जिद वालों के मुतवल्ली जो है उन्होंने पास मांगा था कि हमें पास दे दिया जाए जो है। इस बिना पर उनकी चेकिंग की रही, कोई इसमें संदिग्ध तो नहीं है, जो कोरोना है उसका पॉजिटिव केस तो नहीं है। उनकी चेकिंग कराई जा रही है, उनका पूरा डिटेल लिया जा रहा है, वेरिफिकेशन कराया जाएगा। इसके अलावा अन्य मस्जिदों मदरसों की भी चेकिंग कराई जाएगी, कोई अनधिकृत रूप से तो रुके नहीं है लोग। बागपत में ऐसे ही एक तलाशी अभियान में 17 जमातियों की पहचान हुई है। ये सभी लोग असम के हैं, इनका मेडिकल कराया गया है। प्रयागराज में दिल्ली के मरकज से आए 37 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, इनमें 7 विदेशी हैं। वहीं कानपुर में तबलीगी जमात से जुड़े 22 लोगों के मिलने से हड़कंप मच गया है, इनमें से 8 विदेशी हैं, सभी को अस्पताल भेजा गया है। मऊ में तबलीगी जमात से लौटे 15 लोगों की पहचान की गई है, सभी को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। वहीं हापुड़ की एक मस्जिद से पुलिस ने 9 विदेशी समेत 17 जमातियों को हिरासत में लेकर क्वारंटाइन में भेज दिया है। सभी विदेशी थाईलैंड के रहने वाले हैं। बिहार के समस्तीपुर में निजामुद्दीन के मरकज से आए 11 लोग मिले हैं, इनमें से 9 बांग्लादेश के रहने वाले हैं, इनकी जांच की जा रही है। वहीं बिहार के किशनगंज में मरकज से लौटे 11 विदेशी और 2 भारतीयों की जांच की गई, सभी के सैंपल पटना भेजे गए हैं। दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया है। वजीराबाद जामा मस्जिद में 15 लोग छिपकर रह रहे थे। वहीं मानसरोवर पार्क की मस्जिद में भी 9 लोग मिले हैं, 9 में से 7 म्यांमार और 2 असम के हैं, सभी को आइसोलेशन में भेजा गया है। बीती रात दिल्ली पुलिस ने वजीराबाद के जामा मस्जिद में छापा मारा, जहां 15 लोगों को हिरासत में लिया गया। इन 15 लोगों में 11 लोग इंडोनेशियाई मूल के हैं, जबकि 3 भारतीय हैं। वहीं दिल्ली के मानसरोवर इलाके में भी 9 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, जो मरकज बिल्डिंग से मानसरोवर पार्क पहुंचे थे। फिलहाल सभी को क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। पूरे देश में मरकज से लौटे लोगों की तलाश जारी है। ये तलाश किसी को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी बचाने के लिए है, ताकि जल्द ही ये आइसोलेशन में भेजे जाएंगे। जितनी जल्दी आइसोलेशन में भेजे जाएंगे, उतनी जल्दी खुद के साथ साथ दूसरों को भी सुरक्षित करेंगे। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। कुछ लोगों की गलती का खामियाजा पूरे देश को उठाना न पड़ जाए, बार बार लोगों के मन में ये शंका भी जन्म ले रही है। तबलीगी जमात में शामिल लोग देश के 19 राज्यों में फैल चुके हैं, जो एक बड़ा खतरा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा है कि देश में अचानक बढ़े कोरोना के मरीजों में ज्यादा तादाद इन्हीं लोगों की है। कोरोना से न सिर्फ दहशत बढ़ रही है, बल्कि कोरोना के मरीजों की तादाद भी देश में लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के मरीजों के आंकड़े में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। जी हाँ, 386 नए मरीजों में कोरोना वायरस दाखिल हो चुका है। भारत में अभी तक टोटल 1637 COVID-19 के कंफर्म केसेस आए हैं, और कल से आज तक में 386 दैट इज 386 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं। टोटल 38 डेथ रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें अगर हम कल से देखें तो 3 नई डेथ रिपोर्ट हुई हैं। अब तक 132 लोग जो COVID-19 कंफर्म केसेस थे वो रिकवर भी हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है कि दिल्ली में तबलीगी जमात की वजह से देश में कोरोना मरीजों की तादाद में एक ही दिन में इतना बड़ा इजाफा हुआ है, जो देश के अलग अलग राज्यों में वापस पहुंचे। दिल्ली में भी पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18 नए मरीज जुड़े हैं। हालांकि सरकार ने यह भी जानकारी दी है कि कोरोना से लड़ने के लिए तैयारी पूरी है। स्टेट्स और यूटीज में लॉकडाउन का एनफोर्समेंट इफेक्टिवली चल रहा है। एसेंशियल सप्लाईज का स्टेटस संतोषजनक है। माइग्रेंट वर्कर्स के लिए स्टेट्स और यूटीज फूड और शेल्टर की व्यवस्था कर रही हैं। अपडेटेड फिगर्स के अनुसार 21,486 यानी कि 21,486 रिलीफ कैंप सेटअप हुए हैं। सरकार ने जरूरी सामानों और मेडिकल सामानों की सप्लाई के लिए लाइफलाइन उड़ान को लॉन्च करने का फैसला किया है। साथ ही अपील भी की कि लॉकडाउन काल में धार्मिक सभाओं को बिल्कुल ना करें। कोरोना संभावित मरीजों के टेस्ट के लिए लगातार हर रोज लैब की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। सरकारी के साथ साथ निजी लैब को भी टेस्ट के लिए लाइसेंस बढ़ाया जा रहा है। ICMR के लैब्स के नेटवर्क में अब टोटल संख्या जो है लैब की वो 126 हो गई है। नंबर ऑफ प्राइवेट लैब्स जिनको अप्रूवल दिया गया है उनकी संख्या 51 हो चुकी।
कोरोना का खतरा बढ़ा जरूर है, लेकिन सावधानी और सरकारी निर्देशों का पालन करके हिंदुस्तान के लोग इसे जरूर हराएंगे। आज तक ब्यूरो। वहीं टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने भी कहा है कि जो नियम तोड़ रहा है उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। सुनिए। पश्चिम बंगाल में बशीरहाट से तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहान ने 50 लाख रुपए दिए हैं लोगों के लिए। आखिरकार कोरोना में कई ऐसे लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या खास कर रही है नुसरत, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं। क्या चल रहा है, कैसे इस समय समय बिता रही हैं और कैसे लोगों के साथ खड़ी हो रही हैं? लोगों के साथ अभी ऐसे खड़े रहना है कि यू नो आउट ऑफ द फैक्ट दैट यू आर एन एमपी एंड यू हैव टू बी बिसाइड द पीपल एंड डूइंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उससे भी ज़्यादा इंसानियत के नाते लोगों के पास खड़ा रहना हमारा कर्तव्य है। सो घर से बैठ के मॉनिटरिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, ठीक ही, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो 11 आइसोलेशन सेंटर्स है, जो हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे सारे एसेंशियल्स पहुँचाना भी मेरा कर्तव्य है। सो जितना मेरे से हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। जैसे टुडे आई हैव जस्ट कम आउटसाइड माई हाउस टू सी कि यहाँ पे 11 गाड़ी हम लोग लोड करवा के सारा एसेंशियल्स जैसे दाल चावल आटा सोप्स ये सारे हम लोग यहाँ से डिस्पैच करवा के बशीरहाट भेज रहे हैं। 7 ऑफ द कार्स विल गो टू 7 विधानसभा एंड वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स वहाँ पे सब उन लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लोगों के बीच में। सो आई एम ट्राइंग टू डू माई बिट जितना हो पा रहा है। बस लोगों को यही विनती है कि वो घर पे रहे और यू नो दे मेंटेन ऑल द प्रिवेंटिव मेजर्स ताकि ये जो COVID-19 का चेन है उसको हम लोग ब्रेक कर पाए। साइकोलॉजिकल बहुत प्रेशर बन रहा है लोगों पर, लोगों को परेशान भी किया जा रहा है, अगर किसी को आइडेंटिफाई कर दिया जा रहा है उसको कैसे हैंडल करने की सलाह देंगी आप? जिसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है उसको ऑब्वियसली द डॉक्टर्स एंड द मिनिस्ट्री विल बी टेकिंग केयर एंड दे हैव टू स्टे इन आइसोलेशन। दे हैव टू इधर जिनको थोड़ा लग रहा है कि वो अनवेल हैं उनको होम क्वारंटीन होना चाहिए, और जिनको लग रहा है कि वो ऑलरेडी डिटेक्टेड है ऑब्वियसली दे आर पार्ट ऑफ द मेडिकल प्रोसेस दैट दे आर गोइंग थ्रू एंड दैट इज द ओनली वे वी कैन स्टॉप फ्रॉम दिस एपिडेमिक टू स्प्रेड।